हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। हमारा फर्स्ट चैप्टर था 5 डिजिट नंबर्स। आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने उसकी एक्सरसाइज को देखा होगा और होमवर्क भी अच्छे से कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप कर लें। स्कूल से कभी भी आपको नोटिस आ सकता है कि आपको अपनी नोटबुक स्कूल लाके दिखानी है, तो उससे पहले आप अपना होमवर्क कर लेंगे तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। हमारा सेकंड चैप्टर है 6 डिजिट नंबर्स। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। 6 डिजिट नंबर्स, पहले क्या था? 5 डिजिट नंबर्स, जिसमें क्या था, 5 नंबर्स थे। 6 डिजिट नंबर है तो क्या होगा, एक और नंबर होगा। 1, 2, 3, 4, 5 and 6, दिस इज 6 डिजिट नंबर। वी कैन एक्सटेंड द नंबर्स बियॉन्ड 99,999 इन द सेम वे एज वी डिड फ्रॉम 1 to 99,999। हमने 5 डिजिट नंबर्स कैसे निकाला था? 5 डिजिट नंबर्स निकाला था हमने 4 डिजिट नंबर्स में, प्लस 1 ऐड करेंगे तो आएगा 5 डिजिट नंबर। अगर हम 5 डिजिट नंबर्स में से, दिस इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, जिसमें क्या ऐड करेंगे, अगर हम प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सिक्स डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आएगा हमारे पास। नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन प्लस वन अगर करेंगे तो क्या आएगा टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन। ये क्या है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अगर इसमें प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स। अगर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में हम ऐड करेंगे 1 तो क्या आएगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स, जो कि ये है 1 लाख, 1,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 9 लाख एंड 10 लाख। 1 लाख वंस, ये क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड दिस इज लैक, तो क्या हो गया, 1 लैक। 1 की जगह 2 है तो 2 लैक, 3 है तो 3 लैक, 4 है तो 4 लैक, 9,99,999 इज रीड एज 9,99,999 में अगर हम प्लस 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 लाख। 10 लाख कितने डिजिट नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 डिजिट नंबर्स हमारे पास आ जाएगा। नंबर फ्रॉम 1 लाख टू 9,99,999 has 6 digits, but 10 lakhs have 7 digits. 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh और 4 lakh ऐसे ही
9 लाख तक क्या है, 5-डिजिट नंबर है, लेकिन जैसे ही हम 9 लाख में प्लस 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 10 लाख आ जाता है। 10 लाख, 9 लाख में प्लस 1 ऐड नहीं करना है, 9 लाख में क्या करना है, 1 लाख और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 लाख आएगा। 10 लाख को हमको कैसे लिखना है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 lakh and 10 lakh। तो कितना आया, 10 lakh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 7-digit number। Place value chart, periods, lakhs, thousands and ones। क्या है, प्लेस थाउजेंड, सॉरी लैक्स थाउजेंड, जिसके प्लेसेस हैं 10 लैक्स, लैक्स, थाउजेंड के अंदर आता है 10,000 एंड थाउजेंड, एंड वंस के अंदर आता है 100, टेंस एंड वंस। 1 lakh is the smallest 6-digit numbers। 1 lakh क्या है, 1 lakh है smallest 6-digit numbers। Places, इसको हम कैसे देखेंगे, periods क्या है, lakhs, thousand and ones, इसके अंदर है ones, ones के अंदर है 100, tens and ones, thousand के अंदर है 10,000 and thousand, and lakhs के अंदर है 10 lakh and lakh। पहले हम कैसे करते थे, हम 1 से स्टार्ट करते थे, एग्जांपल हमारे पास 6-डिजिट नंबर है कोई, इसको फील कैसे करेंगे, इसको कैसे देखेंगे कि ये कितना है, 1s, tens, 100, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh। Four, five, three, five and two, 2,53,454, 2,53,454. 1 lakh is the smallest 6-digit numbers and the largest 6-digit number is 9,99,999. 6 बार अगर 9 है तो वो क्या है, largest 6-digit numbers है, और अगर 1 के बाद 50 है तो ये क्या है, smallest 6-digit numbers। Place these numbers in periods and write their names। Example देख लेते हैं, 2, 1, 2, 5, 4, 8, कितने digit numbers है, 6-digit numbers।
क्या करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड लैक, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। वंस में क्या आएगा, एट, टेंस में फोर, हंड्रेड में फाइव, थाउजेंड में टू, टेन थाउजेंड में वन एंड लैक में टू। टेन थाउजेंड और थाउजेंड क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे, ये हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं। एंड हंड्रेड, टेंस और वंस जो हैं वो एक ग्रुप में रहेंगे, जो लैक है वो अलग ग्रुप में रहेगा। टू लैक ट्वेल्व थाउजेंड एंड फिफ्टी, सॉरी फाइव हंड्रेड फोर्टी एट, टू लैक ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी एट। नेक्स्ट है फाइव लैक फिफ्टी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड, फाइव लैक फिफ्टी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन, एट लैक एटी थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सेवन। एग्जाम्पल नंबर टू, राइट द न्यूमरल फॉर ईच प्लेसिंग योर कोमास करेक्टली। क्या करना है, कोमा को प्लेस करना है। सेवन लैक फिफ्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फाइव, क्या है, सेवन लैक फिफ्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फाइव। क्या करना है, कोमा करना है। तो हमने क्या पढ़ा है, हंड्रेड, टेंस और वंस जो हैं वो एक ग्रुप में रहेंगे, एंड टेन थाउजेंड एंड थाउजेंड क्या रहेंगे, एक ग्रुप में रहेंगे। तो इसके बीच में आएगा कोमा, एंड लेक जो है वो क्या रहेगा, अलग ग्रुप में रहेगा। तो कहाँ कहाँ कोमा आएगा, सेवन के बाद कोमा आएगा, क्योंकि लैक है जो अलग ग्रुप में है। फिफ्टीन, फिफ्टीन के बाद कोमा आएगा, क्योंकि थाउजेंड के जो थाउजेंड और टेन, टेन थाउजेंड का ग्रुप है उसके बाद कोमा आएगा। एंड सेवन सिक्स फाइव, कैसे लिखेंगे इसको, सेवन फिफ्टीन सेवन सिक्स एंड फाइव। नेक्स्ट है सिक्स लैक फोर थाउजेंड, सिक्स लैक फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी नाइन। ग्रुप बना दिया, कॉमा लगा देंगे, सिक्स जीरो फोर फाइव एट एंड नाइन। नेक्स्ट है टू लैक सेवेंटी टू थाउजेंड नाइन्टी सेवन, टू लैक सेवेंटी टू थाउजेंड नाइन्टी सेवन। टू सेवन टू जीरो नाइन सेवन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द नेक्स्ट फोर नंबर्स। क्या करना है, फोर नंबर्स लिखने हैं, किसके, इसके नेक्स्ट के। सेवेंटी एट के बाद से वन फोर जीरो फोर सेवन एट। नेक्स्ट फोर नंबर जब भी हमको लिखने के लिए कहा जाता है तो हमें क्या देखना है, राइट से जो टू डिजिट्स है उनको हमको देखना है। जैसे है सेवेंटी एट, सेवेंटी एट के बाद आता है सेवेंटी
नाइन, फिर आता है 80, 81, 82, 83, आपको काउंटिंग आती है। तो क्या करना है, फर्स्ट के फोर नंबर हमको सेम लिख देने हैं। 78 के बाद आता है 79, तो नेक्स्ट डिजिट ये हुई, कितनी लिखनी है हमको, नेक्स्ट फोर, 1, 2 क्या हुई, 140480, ये हो गई 2, 140481, ये हो गई 3, 140482, ये हो गई 4, हो गई 4 डिजिट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, 407127। अब मैंने क्या बोला है, राइट से 2 डिजिट देखनी है, यहाँ क्या है 27 के बाद आता है 28 29 30 31। तो हमें क्या करना है, ये 28 से लगाकर 31 तक का लिखना है। तो 407 आगे की चार डिजिट जो है वो सेम रहेगी, 407128 407120 40 30 407131 31। नेक्स्ट भी आपको इसी तरह करना है, लास्ट के डिजिट को देखना है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ ईच। क्या करना है, इसके जस्ट पहले काम को क्या लिखना है, नंबर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 12 3 4 5 8, क्या करेंगे, माइनस वन करेंगे, तो हमें क्या, इसमें भी हमको क्या देखना है, लास्ट की टू डिजिट। 58 में से 1 गया तो क्या आएगा, 57 आ गया। और ये जो चार डिजिट है हमको एज इट इज लिख लेनी है, 1 2 3 4 5 7 इज द प्रीडिसेसर। नेक्स्ट है 2 1 8 9 6 0, लास्ट की डिजिट हमको देखनी है, 60 में से हम माइनस 1 करेंगे तो आएगा 59 एंड 4 डिजिट जो है वो क्या है, एज इट इज आएगी, आ गया प्रीडिसेसर। नेक्स्ट ये भी हमको ऐसे ही करना है, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच। क्या करना है इसमें, इसके जस्ट बाद का जो नंबर है वो लिखना है। इसमें क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो पीछे की जो दो डिजिट है, राइट से जो पीछे की लास्ट की जो टू डिजिट्स है 7 एंड 9, 7 9 में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 80 80। आगे के फोर डिजिट सेम रखेंगे, 4070 4070 एंड 7 9 की जगह आ जाएगा 8, क्योंकि हमने प्लस 1 किया है। 666 799 प्लस 1 करेंगे, 99 में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। जब भी 99 आता है किसी नंबर के बाद में, जैसे है 666, नंबर है 6 6 6 7 9 एंड 9, अगर 99 है तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स देखेंगे। अगर 99 नहीं है तो हम सिर्फ 2 डिजिट्स देखेंगे, अगर 99 है तो हम 3 डिजिट्स को लेंगे। 799 प्लस 1, प्लस 1 करेंगे हम तो क्या आएगा, 1 9 एंड 1 इज 10, 1 हम कैरी करेंगे, 9 प्लस 1 इज 10, 1 हम कैरी करेंगे एंड 7 प्लस 1 इज 8। तो आंसर क्या आएगा, 6 6 6 8 00। अगर 99 है तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स देखेंगे, अदरवाइज हम सिर्फ 2 डिजिट्स ही देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। घर पे आप इसकी प्रैक्टिस करें, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।